जिला के सभी विकास खंडों में ग्रामीण विकास के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक डीसी हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और बैठक में डीसी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पंचायतों में रास्तों के निर्माण में इंटरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग किया जाए ताकि रास्ते बढ़िया और टिकाऊ बन सके। जिला के सभी विकास खंडों में ग्रामीण विकास के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में डीसी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पंचायतों में रास्तों के निर्माण में इंटरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग किया जाए ताकि रास्ते बढ़िया और टिकाऊ बन सके। जिला में मनरेगा के तहत विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 21 करोड़ 39 लाख 51 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। डीसी हरिकेश मीणा ने सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विकास खंड के तहत चल रहे विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग कर काम को गति दें और जो कार्य अभी शुरू नहीं हो पाए हैं उन्हें आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द शुरू किया जाए। वहीं विकास खंड अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति गंभीर रहने के भी निर्देश दिए गए। डीसी ने कहा कि अगर किसी पंचायत में समय पर सफाई नहीं हो रही तो उस पंचायत को नियमानुसार जुर्माना किया जाए। रेगुलर रिव्यू मीटिंग होती है वीडियोज की, वो मीटिंग थी और इसमें हम लोगों ने जो ब्लॉक्स में डिफरेंट वर्क्स हो रहे हैं चाहे वो नरेगा के हैं, 14th FC के हैं या स्वच्छ भारत मिशन में है या डिफरेंट स्कीम्स के वर्क्स हैं अंडर प्लानिंग या बैकवर्ड रीजन कुछ ब्लॉक कुछ पंचायतें हैं, उन सभी वर्क्स को रिव्यू किया था और इसमें जो वीडियोज़ के साथ साथ जो टेक्निकल स्टाफ हैं JEs हैं STOs हैं या पंचायत इंस्पेक्टर्स हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो सभी स्टाफ को बुलाया था और ये हमारी एक रेगुलर रिव्यू मीटिंग होती है तो जहाँ जहाँ वीकनेसेस होती हैं उसमें हम स्ट्रेस करके जो वर्क्स एग्जीक्यूशन इन फील्ड रूरल डेवलपमेंट के उसमें एफिशिएंसी लाने की कोशिश करते हैं।